हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज होने जा रहा है निकू का इंडिपेंडेंस डे। स्कूल में ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन होने जा रहा है। कुछ बारिश ने थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर दिया, लेकिन जब हम अंदर गए तो हम देखकर हैरान हो गए कि हमसे पहले काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने सीट लेकर बैठ गए थे और बच्चे हो रहे थे अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देने को तैयार। तो दोस्तों, ये स्कूल है द प्ले पेन, जो कि पिंजोर शहर में पड़ता है। बहुत ही सुंदर स्कूल है और जो यहाँ का जो स्टाफ है, जो यहाँ के टीचर्स हैं, वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये जो स्कूल है वो लगातार कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों से। कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, बहुत ही बारीकी से बच्चों को सिखाते हैं और सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स। ये जो दिखने में इतना आसान लग रहा है, एक्चुअल में ये इतना इजी नहीं है। आप उम्र में देख सकते हो बच्चे कितने छोटे हैं, इनको सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जब ये बच्चे परफॉर्म करते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से इस तरह की एक्टिविटी कराना तो इन टीचर्स के लिए हैट्स ऑफ है, जो ये इन पर इतना ध्यान देते हैं। सुबह का प्रणाम। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति मिली थी। आज करते रहना चाहिए, इसकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Now we will be moving forward with the dance of nursery class on the song Desh Mere. Koi dam hai kya teri dhool se badh ke teri dhool se o desh mere teri shaan pe sadke kapal sipahi wala amazing dance performance on the song Mere Desh Ki Dharti. तो गाइज़, आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत का काम है यहाँ की टीचर्स का, यहाँ के स्टाफ का और इन बच्चों का, जो इतनी हार्ड वर्किंग करके इन सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन हुआ है, प्री नर्सरी से लेके क्लास UKG तक का सभी बच्चों ने दिल से परफॉर्म किया है। और हैट्स ऑफ है इन बच्चों के लिए जो ऐसे ही एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं। और ये जो स्कूल है वो पिंजौर शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन कराना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ का एनवायरनमेंट देखें, एटमॉस्फेयर देखें कि यहाँ की जो स्कूलिंग है और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है आपके बच्चे के लिए। और
और जो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को इनोग्रेट करने पहुँचे हैं ऑनरेबल एमसी, जो कि लगातार यहाँ पर आते हैं इन बच्चों के उत्साह को देखने के लिए, परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और उन्हें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो आरना की फर्स्ट परफॉर्मेंस देखी जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर विज़िट करें। और जो मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं वो भी मुझे मिल गए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी, अर्पित करता हूँ उन सभी क्रांतिकारी लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, जिनके कारण से आज हम सब ये दिन ये उत्सव मना रहे हैं। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी को, भानुदास शर्मा जी को। बहुत सालों से ये एक बच्चे से इन्होंने ये स्टार्ट किया और एक बच्चे के साथ ये स्कूल चलाते रहे, धीरे धीरे इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और आप सबने देखा होगा कि छोटे बच्चों को घर में टैकल करना बहुत मुश्किल काम रहता है, उनको यहाँ लेके आना, उनको परफॉर्म कराना, उनको स्किल कराना। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि इनके ट्रेंड के बच्चे आज बहुत सारे स्कूलों में परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। मैं यहाँ के टीचर और स्टाफ का भी कभी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को जो हम परफॉर्मेंस देख रहे थे, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, सबसे इन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराई। यहाँ आने का पहले मोह था तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बुलाने के लिए, और मैं चाहूँ कि आपका स्कूल बहुत आगे तक बढ़े, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं आप यहाँ सिखा रहे हैं, स्किल्स सिखा रहे हैं जो आगे उनकी लाइफ में काम आएगा। ये मोटिवेशनल का काम है। और मैं आप पेरेंट्स को भी कहूँगा कि भी आप लोग भी बच्चों को आज के दिन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज का दिन हमें कैसे प्राप्त हुआ। मेरे साथ डीके जी पत्रकार है, अमर उजाला से हुआ है, महेश पाठक जी, किशोर जी, सुनील जी, मैंने बच्चे देखे उनके, बट मुझे सुनील जी नहीं देखे। सुनील जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं वार्ड में, आप बहुत अच्छे राइटर हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना आप लोग, क्योंकि हम लोगों का जो प्रोग्राम था वो नहीं मैनेजमेंट हो सका, ठीक है ना, जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उस हिसाब से नहीं हुआ, सॉरी, पर आप लोगों ने फिर भी कोऑपरेट किया, थैंकफुल, थैंक फॉर दैट। अपने अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे प्लीज आप लोग, ठीक है। ओके, तो फाइनली आर्नव आ चुकी है अपना परफॉर्मेंस देके, और अब उसको मिल गया है बहुत ही प्यारा प्राइज जो उसके हाथ में आप देख रहे हैं, चॉकलेट। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए अभिनील ब्लॉग्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद।